हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इन्वेस्ट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और वॉरेन बफेट के कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे जो कि हमारी इन्वेस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है, और जिन लोगों को भी लगता है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अभी एक डेढ़ साल पहले की बात है, किसी ने मुझसे पूछा कि तेरी हॉबी क्या है। मैंने कहा मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद है। उसने कहा हो तू गैम्बलिंग करता है। बस फिर वो हमारी आखिरी बात थी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक ज्ञान ले लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में, छोटी छोटी बातें जो हमें पता होना ज़रूरी है, जैसे टाइमिंग। मार्केट ओपन रहती है वीकडेज़ में 9:15 AM से लेकर 3:30 PM तक, और वीकेंड्स मतलब सैटरडे एंड संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के दिन मार्केट क्लोज रहती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इन पे कंपनीज लिस्ट होती हैं। मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम होता है ये देखना कि मार्केट में कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह तो नहीं हो रही। जब कोई नई कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट होती है तो हम उसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब डिटेल में बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पर हम कंपनी के शेयर बाय और सेल कर सकते हैं, बस उसे स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आसान शब्दों में कहूँ तो हम कंपनी को पैसे देंगे, मतलब इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, और वो कंपनी हमें ऑनरशिप देगी, मतलब हिस्सेदारी देगी अपनी कंपनी की। जो पैसे हम कंपनी को देंगे उन पैसों से कंपनी के प्रमोटर्स अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बढ़ाएंगे, बेसिकली एक्सपेंशन करेंगे कंपनी का। और अगर उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव हुआ तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने से कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी, और कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने से क्या होगा, कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने से हमें प्रॉफिट होगा। और अगर उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, तो शेयर प्राइस गिर जाएगा, और शेयर प्राइस गिरने की वजह से हमें भी लॉस हो जाएगा। फ्यूचर में कंपनी का शेयर बढ़ेगा या गिरेगा ये उसकी करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर विज़न पर डिपेंड करता है, और फैक्टर्स भी हैं जिन पे डिपेंड करता है, उन सबको हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो बेसिकली हमने देखा कि शेयर मार्केट एक जगह है जहाँ पर बिजनेस और इन्वेस्टर्स मिलते हैं और आपस में डील करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। शेयर मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल पर काम करता है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी के परफॉर्मेंस को देखता है, और फिर उसके हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस डिसाइड होते हैं। अगर कंपनी के शेयर्स की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर डिमांड सप्लाई से कम है, मतलब लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो फिर शेयर प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आखिरी सवाल आता है कि हमें शेयर मार्केट की ज़रूरत क्यों है। मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्वेस्टर्स और कंपनीज मिलते हैं, और कंपनीज इन्वेस्टर से फंडिंग लेती हैं, और इन्वेस्टर्स उसके बदले कंपनी से ऑनरशिप लेते हैं। पर सोचो अगर ऐसी कोई जगह हो ही ना, तो इन्वेस्टर्स और कंपनीज को कितनी दिक्कत होगी एक दूसरे को ढूंढने में, और नॉर्मल हमारे जैसे लोग तो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो यही रीज़न है कि हमें शेयर मार्केट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट theinvestorreport.com पर विज़िट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।